क्या हुआ रेशमा? और इसको यहाँ से पकड़ना ऐसे FD12 आपके हिसाब से नहीं चलता भाई, ये पेपर के हिसाब से होएगा। Hi guys, good morning, Rohan Vardhya, welcome to my channel, कैसे हैं आप लोग सब? तो जैसे कि एक बाइक राइडर है, तो उसकी दोस्ती किसके साथ होगी? दूसरे बाइक राइडर के साथ। क्यों? क्योंकि दोनों मैच करते हैं, राइट? उनका शौक एक जैसा है। वैसे ही ऐसे बहुत सारे खेल हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वही समझ पाता है जो उसमें इंटरेस्ट रखता है। जैसे कि मुझे इंटरेस्ट है कैमराज में, ड्रोन्स में, व्लॉगिंग में, एडिटिंग में। वैसे ही बहुत सारे लोग होंगे जिनको भी वही इंटरेस्ट रहेगा, राइट? वैसे ही लोगों के साथ आज मैं आपको मुलाकात कराने वाला हूँ। आज हम लोग जा रहे हैं निशाना प्रैक्टिस करने के लिए, रियल गन्स हैं, रियल गन्स। टारगेट प्रैक्टिसिंग कैसे होती है तो वीडियो में बने रहना, और हम लोग एक छोटा सा कॉम्पिटिशन करके भी देखेंगे किसका निशाना अच्छा है। आपको बता रहा था कि यू नो इंटरेस्ट मैच होने चाहिए, तो वैसे ही इंटरेस्ट मैच हो रहा है मेरा रविश के साथ। हियर इज रायन, आरकेएस इन अमेरिका। सो रविश व्लॉग करते हैं कनाडा से, और आरके करते हैं मेरिलैंड अमेरिका से, जहां पर मैं रहता हूं। बट अभी तो मैं न्यू जर्सी आया हूं, बट जैसे ही मैं मेरिलैंड जाऊंगा तो वापस से व्लॉग्स वहीं के स्टार्ट होंगे। बट अभी के लिए तो जाते हैं एंड एंजॉय करते हैं RTSP ट्रेनिंग, फायर आर्म्स ट्रेनिंग सेंटर। चलो 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 आ जाओ यार, लगता है कि हम लोग ही हैं जो पहले आगे खोलने वाले हैं कि भाई खोल दो। ओ फिर तो बंद है। व्हाट? जैसे इट्स 10 o'clock। तो कितना टाइम हो रहा है? 10:30 हो रहा है। यार रियली? हाँ ये शायद से दो नहीं होगा ये ट्रेन। नहीं नहीं यार, ऐसे ही तो बता रहे हैं। लोग भी हैं, so I'm sure. I think it's this. But it's. अरे यार गड़बड़ हो जाएगी। आज दिया है गलत जवाब सबने। तुमने तो पहले किया हुआ भाई एक बार? यस, कनाडा में। आप तो ट्रेंड हो, आप पबजी मास्टर नहीं, ठीक है? हमें तो आप कुछ नहीं आता है, तो ये पहली बार। व्हाट एम आई सपोज्ड टू डू हियर? जैसा कि भाई साहब बोल के गए, यहाँ पर हम लोग को वीडियो देखनी है सेफ्टी प्रिकॉशंस के लिए, कि अगर कुछ भी गड़बड़ ना हो जाए। तो इसलिए हम लोग वीडियो देखेंगे, सीखेंगे कि कैसे बंदूक चलानी है, उसके बाद आपको लेके चलेंगे। टारगेट की डायरेक्शन में गलती से भी इधर करना ही नहीं है गन को। रेशमा के इरादे ठीक नहीं लग रहे, सुबह ही बोल रही थी। तो मेरे बाजू में मत रहना। सुबह मैंने रेशमा को बोला था कि तू रहन दे, आज मैं संभाल लूंगा, आज मैं जाके करके आ जाऊंगा सेट। तो बोलती नहीं नहीं मैं भी आ रही हूँ, आज रेस्ट नहीं लेना था रोहन को, इसको सीखना है। अच्छा सारे जो डॉक्यूमेंट्स था फिलअप कर दिया, जो भी फॉर्मेलिटीज होती है यहाँ पर कर दी मैंने, और अभी जाते हैं अंदर, और अंदर जाके फायर आर्म सिलेक्ट करते हैं कौन सा फायर आर्म चलाना है आज मुझे। रेशमा को तो मैं कुछ चलाने देने वाला नहीं हूँ, क्योंकि उसको उसके हाथ में गन दे दी तो सबसे पहले मुझे उड़ा देगी वो, तो इसीलिए सेफ्टी फर्स्ट मतलब रेशमा के हाथ में गन नहीं देनी। सब कुछ हो गया? हाँ बराबर बोल रहा है। One challenge for boys, one challenge for girls. तो हम लोग यहाँ पर आज एक छोटा सा चैलेंज करने वाले हैं। बॉयज लोग अलग चैलेंज करेंगे, गर्ल्स लोग अलग से चैलेंज करेंगे। ये जो पीछे गन्स देख रहे हैं ना, पबजी वाली गन्स है भाई। क्या क्या नाम बोला? वेक्टर? वेक्टर बताया है, ऊपर M4 है। M4? FD12। बैग अलाउड नहीं है? बैग अलाउड नहीं है। कुछ गन वन डाल के ले जाओगे? भरोसा नहीं है। You're going to get the full hour on the range, right? The first 15 minutes, you're going to have an RSO or a range. और फिर टाइम आ गया था कि हम लोगों को अपना अपना टैलेंट दिखाने का, कि कौन कितना अच्छा निशाना लगा सकता है। बट उससे पहले हम लोगों को लेनी थी ट्रेनिंग, कि बंदूक कैसे यूज़ करनी है, निशाना कहाँ लगाना है और कैसे लगाना है। तो ट्रेनिंग हम लोगों ने ली और हम सब तैयार हो गए निशाना लगाने के लिए। क्या हुआ रेशमा? मारा कि नहीं मारा? किधर मारा तूने? पता नहीं लग रहा है।
शोल्डर नहीं दुखा जब तो अभी रायन गया था बट रायन के कान बजने लगे तो रायन इसलिए वापस आ गया अभी हाँ यार बहुत बहुत ज़्यादा मतलब शॉट लिया एक से दो उसके बाद पेन करने लग गया हाँ मतलब इसीलिए वो लोग ऐसे ये वाले साउंड प्रूफ हेडफोन्स देते हैं एक्चुअली में जब भी पहना ना तो ऐसा लगता है कि आप किसी बंद कमरे में आ गए एकदम जूम ऐसा वाला फील आ गया अभी रवि रेडी हो रहे हैं रवि डाल दिए 10 राउंड 10 राउंड अभी फटाफट कर दो चलो देखते हैं रायन पहले ही हार गया भाई हार नहीं गया एक्चुअली हुआ सर सुना नहीं उसको बोलते हैं कि शुरुआत हार के जीतने वाले को बाजी करके हाँ क्या बात धपा धप धपा धप चल रहा है सच्ची बात बताऊं पहला शॉट मैंने मेरी जिंदगी का पहला शॉट लिया और निशाने से इतना दूर रहेगा ज़्यादा ओवर स्मार्ट नहीं बनने का ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होने का भी नहीं है मुझे आराम से स्पोर्ट्स करेंगे अभी रवीश ने कितने झंडे गाड़े हैं अभी देख लेते हैं आप लोग को सुनाई दे दिया ना yes. Yes, yes. Not bad, देखो अरे क्या बात है यार क्या बात है एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह शॉट मैं जा रहा हूँ अभी रेडी हाँ पहले इसको लोड करते हैं 10 एक दो दो तीन 9 10 अभी गन उठ आराम से हाथ ये उंगली यहाँ रखनी है सेफ्टी के लिए और गन को किया लोड अभी सेफ्टी ऑफ और इसको यहाँ से पकड़ना है ऐसे हैंडल शोल्डर पे लगाना है थोड़ा चिपकाना है वो दिवाली में पटाखे फूटते हैं ना वैसा मजा आ रहा है अपना हो गया गेम अभी हम देखते हैं कि कितना स्कोर किया है एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस हाँ निशाने तो ये अमेजिंग है ये देखो रोहन के शॉट इन्होंने जो मस्त मारा अरे क्या बात है यार क्या तीन निशाने पे एकदम मैं चाहता था कि एक एक्स नहीं लगा कोई बात नहीं बट एक तीन अंदर है मेरे अभी रेशमा जा रही है रेशमा प्लीज मेरा नाम खराब मत करना रोशन करना ये जो निशाना लगाया ना आपने ये इसका पैसा वसूल है इसका वसूल है। वो जो हाँ एक गोली बेकार भी गोली हाँ। इसको देख के खुश हो लो अभी रेशमा पता नहीं क्या गुल खिला रही है यहाँ पर ओह माय गॉड रेशमा क्या बात है मैं बोल रहा हूँ अभी अपने हमने 50-50 राउंड्स लिए हैं 100 राउंड और हमने 10-10 सबने चलाए अभी तो इतने सारे हैं तो वापस खाली करके जाते हैं ना हाँ बराबर खाली करना है इधर जा नहीं रहा जाना चलो मैं चलता हूँ हो गया रेशमा तेरा जा रविश रविश जाओ इधर क्या हाथ दर्द कर रहा है अब देखते हैं कि रेशमा ने क्या गुल खिलाया वाह रेशमा वाह क्या बात है वेरी नाइस बिना इसके कभी सुना है अरे बहुत मैंने थोड़ा निकाला ऐसा कान के पर्दे फट जाएंगे सीरियसली कान पे लगाने की वजह से इतना ऊंचा बोलना पड़ रहा है मैं पता नहीं चल रहा हूँ कितना ऊंचा बोल रहे हैं अभी मैंने क्या किया यहाँ चल रही है गोलाबारी और मैं ना ऐसा करके बात कर रहा था और यहाँ से ढप एक गोली आई ना वो मैंने चुम पांडे जी वो वाला सीन मेरे साथ हो गया अभी तो मेरे ये कान पे ना चुम वो इफेक्ट इफेक्ट आपके लिए देता हूँ मैं चलो रियान नई रिपोर्ट रमेश भाई यू हैव टू गो बैक अप फ्रंट योर लाइसेंस इज अप फ्रंट ओके थैंक यू सो मच ये वाला दरवाजा नहीं खोलना है पहले ये दरवाजा बंद होएगा ताकि जब ही साउंड इशू आता है और तब जाके ये दरवाजा खुलेगा ऑसम थैंक्स यू गाइस थैंक यू फॉर योर हेल्प इट वाज फन थैंक यू यस एक तरह का सहारा भी है बट सरदर्द भी है इसको पहना तो कान के पीछे ना ऐसा लग रहा था किसी ने सुई चुभी हुई है
बट दिस वॉज रियली हैंडी. $10 में ये दो चीज देते हैं, बोलते कि ड्यू टू कोविड वी कांट टेक इट बैक, तो आप ये लोग खरीद के ही लेके चले जाओ. मेरे हिसाब से यू आर द टॉप. आपके हिसाब से नहीं चलता भाई, ये पेपर के हिसाब से होएगा. पेपर के हिसाब से ही बोल रहा हूँ मैं. अगर आपको जानना है कि निशाने कैसे लगे थे, तो ये रही इंस्टाग्राम आईडी. मतलब आपको ये वीडियो देख के अब समझ में आ रहेगा कि एक यूट्यूब क्रिएटर, एक मतलब जैसे कि हम लोग व्लॉग्स बनाते हैं, वी शेयर आवर लाइफस्टाइल. टू शेयर आवर लाइफस्टाइल अलॉन्ग विथ आवर फेलो क्रिएटर्स, इट इज़ सो मच फन. आज बहुत ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि आज ऐसा था ना कि एक ऐसा भी फील आ रहा था कि हम कई बार शूटिंग पे आए हुए हैं और इतने सारे कैमराज लगे हुए हैं. इट वॉज लॉट्स ऑफ फन. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग फ्रॉम मेरीलैंड. मेरीलैंड तो मैं भी रहता हूँ. एंड थैंक यू फॉर कमिंग फ्रॉम कनाडा. वैसे रोहन मीरा रोड, हाँ मीरा रोड का भी तो एक कनेक्शन है. भाई भी मीरा रोड से हैं, हम भी मीरा रोड से हैं, तो उधर वो भी एक अलग कनेक्शन बन गया है. एंड तो ठीक है, इट वाज गुड मीटिंग यू गाइस. एंड यहाँ पर देखो पेपराजी भी इधर ही है. जीती क्या हरी जीती. ओके तो फाइनली यहाँ से निकल रहे. थैंक यू सो मच, इट वॉज लवली मीटिंग यू. थैंक यू गाइज, एब्सोल्युटली अ प्लेजर. एब्सोल्युटली माय प्लेजर सीइंग यू ऑल. लवली लवली. थैंक यू रोहन, थैंक यू यार, थैंक यू. एक्चुअली मैं रुक के और भी बहुत सारी बातें शातें कर सकते थे, टाइम पास कर सकते थे, बट प्रॉब्लम ये है कि टाइम नहीं है मेरे पास. मुझे घर जाना है, घर जाके बहुत सारा काम है, काम भी तो करना है, नहीं तो मैं यहाँ रुकने वाला था और इनके साथ और टाइम बिताने वाला था. बहुत अच्छा लगा मिलके. अगर आपको जानना है कि ये जो गनशॉट कंपटीशन था कौन जीता है, इंस्टाग्राम पे मैं उसके रिजल्ट्स डाल दूंगा. वहाँ पर आ जाओ और आपको पता लग जाएगा कि कौन जीता है. और बहुत सारे लोग पूछेंगे कि भाई साहब पैसे कितने खर्च हुए. तो हम लोग थे 6 लोग. 6 लोगों ने 1 घंटे का स्लॉट बुक किया था और हम लोगों ने बुलेट्स लिए थे 100. टोटल हमारा खर्चा हुआ है $425. तो आप लोग हिसाब लगा लो कि कितना होता है. क्योंकि पता है जब भी मैं बाहर जाता हूँ, कुछ भी ख़रीदता हूँ या कुछ एक्टिविटीज़ करता हूँ, तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कितना खर्चा है. तो दैट इज़ द रीज़न आई एम इन्फॉर्मिंग यू. बारिश हुई थी और मौसम बहुत ही सुहाना हो गया है. ये वही वाला रास्ता है जहाँ पर वो छोटा सा फार्म था ना. फार्म था क्या बोल रहा हूँ, फार्म है. जब भी मैं जिम से निकलता हूँ यही रास्ता पकड़ता हूँ और ये रहा हमारा फार्म. You wanna say hi? Say hi, man. She's so unpredictable. I'll be careful. You do wanna say hi? Yeah. Be nice, man. Oh, oh no, no, no. She. Yeah. She doesn't like my dead cat on top of my camera. बोलते हैं she doesn't like men. वाला ठीक है, कोई बात नहीं. कुछ आया क्या डाक में? डाक लाया. That's about it, guys. अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना. साथ ही साथ लाइक भी कर देना अगर ज़्यादा अप्रिशिएट करना है तो. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. कीप वॉचिंग, कीप मोटिवेटिंग. आई लव यू ऑल एंड प्लीज़ बी सेफ. थोड़ा थक गया हूँ, ज़्यादा नहीं. क्या है इसमें देख लेते हैं. ओह पर कौन सा है, नाइकी एयर. फर्स्ट लुक बता दो कैसी लग रही. थोड़ी छोटी है क्या.